बड़ी खबर ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, दिन प्रतिदिन का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन होगा, दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। अशोक वानखेड़े साहब, ये कितना अहम हो जाता है ये जो लाइन कही गई है फैसले में? दिन प्रतिदिन का तो मामला बता दिया, लेकिन क्या अधिकारियों का ट्रांसफर ये दिन प्रतिदिन के मामले है, या दिन प्रतिदिन के मामले यही है कि साफ सफाई हो, पानी का सप्लाई हो, या फिर हेल्थ के इश्यूज हो, या एजुकेशन के इश्यूज हो? लेकिन एजुकेशन के इश्यूज में यदि डायरेक्टर एजुकेशन का ट्रांसफर होना हो तो वो किसके पास होगा? हालांकि अशोक वानखेड़े सर, देखिए आखिर जो फैसला होगा, फाइनल फैसला अभी वो आना बाकी है, लेकिन जो लगातार पढ़ा जा रहा है, जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसमें साफ कहा गया कि दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन होगा। ये एक क्लैरिटी इस स्टेटमेंट पर रखी जा रही जो पढ़ा जा रहा है फैसला। जी समीर जी बोलिए। जी मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन है, इसमें से नया कुछ भी नहीं है। वही तो रूटीन में तो दिल्ली सरकार ही करती है। मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ। एलजी तब हस्तक्षेप करते हैं जब कोई पॉलिसी का बड़ा मैटर आता है, कोई बड़ा बजट आता है, या एलजी को लगता है कि इस मामले को केंद्र सरकार ने भी देखना चाहिए, उस समय में एलजी हस्तक्षेप करते हैं। समीर जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर जो सीजीआई की टिप्पणी है वो और क्लैरिटी देती हुई नजर आती है। वो सीजीआई ने यह कहा है कि अन्य राज्यों की तरह, ध्यान दीजिए, अन्य राज्यों की तरह एनसीटीडी सरकार के प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करता है, संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा, ये कहा गया है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है फैसला दिल्ली को पढ़ा जा रहा है, जो टिप्पणियां सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली को जिस हिसाब से अन्य केंद्रीय शासित राज्यों के से अलग रखा है, राइट, इसका मतलब एक पूर्ण राज्य है, एक आधा राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो इसके पहले जो उन्होंने कहा था कि बाकी यूनियन टेरिटरीज का जैसे सारे फैसले पार्लियामेंट और गृह मंत्रालय एलजी के थ्रू लेते हैं, क्या उस पे भी अंतिम निर्णय में प्रश्न उठाए जाएंगे और ये क्लियर कर दिया कि दिल्ली जो है वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। बिल्कुल।